कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक अनदर गेम प्ले वीडियो तो गाइज आज हम लोग खेलने जा रहे हैं हाउस स्लीपर ओके तो ये हमारा फर्स्ट हाउस है कुछ इस तरीके का गंदा सा ये दिख रहा है दिस गेम विल अलाउ यू टू बायर डेकोरेट एंड हाउसेस फॉर नाउ shack.

हाँ, छोटा भी है और साथ के साथ कुछ ज्यादा ही गंदा है इतना गंदा नहीं देना चाहिए यार एटलीस्ट इसको साफ करने में भी एक बार हो जाएगी ठीक है यार अभी काम हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जितने भी गंदे कूड़ा करकट -कर यहाँ पर हमारी ऐसे की तैसे हमारे घर में कैसे फेंक के जा रहे हो भाई कूड़ा ऐसा जरूरी थोड़ी है उन्होंने फेंका हो बट फिर भी इन हमें इन सबको हटाना है तो, तो सारा कूड़ा को मैं यहाँ से हटा देता हूं अब मैं अपने घर में जा पाऊंगा तो ये मैंने ओपन करा गेट भाई क्या ये हेलो कितना कितने कौन फेंक के गए घर में ये पक्का पड़ोसियों की हरकत है यार बड़े बदतमीज है सारा कूड़ा इनके घर में क्या मैं फेंक सकता हूँ मेरे पास इतना सारा कूड़ा है लेकिन हाँ शायद से वो पूरा डेमोलिश हो जा रहा है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक अच्छा खासा लैपटॉप जो कि शायद से अपना ही है हम लोग इसको अपना ऑफिस बना सकते हैं बट नहीं हमें बेच के अमीर बनना यार बाथरूम एक बार देखो ऊपर मकड़ियों के जाले लगे हुए हैं दीवार शीशा टूटा हुआ है दीवार पूरी सड़ रखी है भाई देखने का भी नहीं मन कर रहा मुझे और मैं वहां नहीं देखने वाला हूं क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग शायद कुछ खाते पीते इस वीडियो को देख रहे होंगे ओ वाह लाइट है पर ये जले जल गई वाँ। लाइट वाइट तो एकदम सही काम कर रही है घर की हां ठीक है थोड़ी पुरानी लाइट है बट सही काम कर रही है गुड वर्क टेक्स हार्ड वर्क अरे नाइस तो अभी हमें यार बहुत कुछ क... मेरा तो काम ही करने का नहीं मन कर रहा है इस घर में तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो जमीन पे गंद है ना इसको उठा लेते हैं तो ये हो गया क्लीन एंड यहाँ पर यार गैस स्टॉक भाई ये तो नया आएगा इसको मैं उठा के फेंक ही दूंगा ये भी गंद था यहाँ से मैंने हटा दिया है और यहाँ पे कुछ फालतू डब्बे पड़े हैं कुछ फालतू पुराने न्यूज़पेपर्स हैं इन सबको मैं हटा देता हूँ ये वाला बॉक्स भी हटा दिया है बाकी बेड भी कौन सा साफ नहीं बेडशीट धुल के साफ हो जाएगी यार देखो इतना पैसा नहीं है कि हम लोग एक एक चीज हटाएं जो चीज साफ हो जाती है उसे साफ करेंगे और जो चीज ठीक होने लायक नहीं है नई खरीद के लानी पड़ेगी उसे नहीं खरीद के लाएंगे देख रहे हो और कैसा हो रखा है पूरा बंद भी नहीं हो रहा है नीचे वाले को देखो भाई ये क्या है भाई टूटा पड़ा है भाई एकदम बेकार तो खुला हुआ अच्छा लग रहा है ऐसा लगता तो रहा है एटलीस्ट कि ठीक है बाकी हाँ मेरे पास कुछ है क्या ऐसे साफ़ करने के लिए नहीं अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है बाकी यहाँ लैपटॉप में ना हमें कुछ वर्क आएगा यार देखो अभी ना हमने

हम लोग अभी इसके घर पर जा रहे हैं हम लोग जिस लड़की का हमें मेल आया था इसके बॉयफ्रेंड ने जो इसका पुराना बॉयफ्रेंड था उसने इसके घर पे आके तोड़ी फोड़ी मतलब पूरा तोड़ फोड़ कर दिया है और उसका रेडिएटर चुरा के ले गया भाई बड़ा ही गरीब था बट हाँ जो भी हो हम लोग इसके भी प्लॉट पे आ चुके हैं ये ये तो पड़ोसी ही लग रही है अपने बगल वाला ही तो है नहीं नहीं कुछ वैसा तो <laughs> मैं इसके ऊपर आ गया ठीक है हम लोग यहाँ से बाहर नहीं बाहर नहीं जा सकते बट हाँ सही एकदम बंदरों की तरह ऊपर चढ़ चुका हूँ मेरा घर आसपास पास ही है नहीं ये सारे घर थोड़े सिमिलर सही है अपना घर थोड़ा दूर होगा बट हाँ अभी हम लोग इसके घर पे आ चुके हैं जल्दी से अंदर चल के देखते हैं कि हमें यहाँ पर कितना काम करना पड़ेगा उसने कहा कि तुम बस घर साफ कर दो जो चीजें खराब है उसे ठीक कर देना पर पुलिस को मत बताना वो मैटर सोल्व कर देगी जब उसका बॉयफ्रेंड ट्रिप से आ जाएगा पता नहीं वो ट्रिप पे गई उसका बॉयफ्रेंड ओके भाई साहब पर तो ब्लड ये ब्लड है या फिर रेड नहीं हो सकता है यार भाई सब बड़ा ही बेकार था पूरा खून वून भी लगा हुआ है शायद किसी का हाँ थोड़ा हो सकता है भाई सीरियस मैटर बाकी यहाँ पर जितना भी गंद है सारा मैं हटाना शुरू करता हूँ फालतू के काफी सारे कैन है बहुत कोल्ड ड्रिंक पीते थे ये लोग चलो कोई नहीं इसको भी यहाँ से हटाया ये भी हटाओ भाई सब सब ये वाला रेडिएटर चुरा के ले गया ना हाँ यहाँ पर रेडिएटर लगना है मुझे खरीदना पड़ेगा अभी करते हैं यहाँ पर एक फ्रिज है ये वाला ये। अंदर पहले ना जितना गंदा है वो सारा हम लोग हटा देते हैं ये ये लेट्स गो हम लोग इसमें स्पीड रन करने वाले हैं सफाई का ऑल राइट right, सब कुछ मैंने कर दिया है एक बार ये वाला रूम ओह ये तो बाथरूम है बाथरूम में कुछ भी कूड़ा नहीं है पर ये काफी ज्यादा गंदा हो रखा है तो ये होता है रेडिएटर जो कि हमें खरीद के यहाँ पे लगाना है वो चोर ले गया ना तो उसको भी करते हैं ठीक ये सारा कुछ सफाई

क्योंकि बाथरूम में रेडिएटर लगा हुआ है बस हॉल का रेडिएटर गायब है ये सब कुछ साफ कर दिया ऊपर मकड़ी के जाले नहीं मकड़ी के जाले अपने उस वाले घर में है इधर ये घर ठीक है फिर भी हाँ तो सब कुछ एकदम ओके है कितने छोटे छोटे से एकदम स्वीट हो मैंने मतलब ऐसे देखो घुसे छोटा सा एक ड्रॉइंग हॉल छोटा सा एक बेडरूम और एक छोटा सा बाथरूम और यहाँ पर छोटा सा किचन मतलब एकदम काफी छोटा है पर प्यारा है हाँ तो हमने डर्ट जो है एटी फाइव परसेंट क्लीन कर दिया है वहां पर राइट साइड में हमें दिख रहा है कि हम लोगों ने कितना काम, कितना काम प्रोग्रेस जो अपना चल रहा रहा है 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 वो सब कुछ हमें नजर आ राइट साइड में वैसे डर्ट क्यों है? मैंने ऑलमोस्ट पूरा साफ कर दिया यार ऐसी बात नहीं है क्या रह रहा है अभी सफाई करने के लिए इस बात तब बात तब भी साफ है फ्रिज ओ भाई ये देखो यहाँ पर कितना गंदा भाई कारपेट पूरा गंदा पड़ा हुआ है ओके तो डर्ट जो है हमने पूरी क्लीन कर दिया है अब हमें वो डिवाइस

और ऊपर से इसे स्क्रीव कर दिया लेट्स गो अभी एकदम हो चुका है अपना काम कंप्लीट बस इतनी सी जॉब थी ठीक नहीं रुक जाओ यार देखो हमारी प्रोफेशनल कंपनी है हम लोग काम एकदम सही तरीके से करेंगे क्योंकि भाई देखो उस बेचारी का वैसे ही थोड़ा इतना मूड खराब होगा हम लोग उसका घर एकदम अच्छे से करके ही जाने वाले हैं अभी ये टेबल थोड़ा सा टेढ़ा था मैंने इसे सीधा कर दिया है टीवी को भी इसके ऊपर एकदम सही तरीके से सेंटर में रख देते हैं थोड़ा गुड लुकिंग कर देते हैं हर घर को सोफा ज्यादा पीछे तक है अगर बंदे को बाहर जाना होगा ना तो उसमें अटके गए तो सोफे को थोड़ा सा आगे लगा देते हैं उसके खाने खाने का टेबल भी यहाँ पे गिरा रखा है तो उसको हम लोग यहाँ पर भी सही से सेट कर देते हैं ये वाली चेयर है इसको भी मैं एकदम प्रॉपर इसको लगा देता हूँ ठीक है यहाँ पर ये भी गिरा पड़ा है देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा तमीज में काम हुआ है सारा इसको अब कितना अच्छा लग रहा है भाई घर ये खुला क्यों हुआ है बंद हो जाए क्या ये ये है ये बंद ही नहीं हो रहा है हाँ ठीक है गाइस अभी देख लो एकदम स्वीट होम बना दिया भाई दो मिनट के अंदर चलो अपना काम अभी हो चुका है अब हम लोग चलते हैं अपने घर पे वापस ये साइड मिशन है ताकि हम लोग पैसे कमा पाए ओके गाइस तो ये हम लोग अपने घर पे वापस आ चुके हैं और सफाई करने के लिए मेरे पास ये झाड़ू आ चुकी है अभी जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं और जितना भी गंद मचा पड़ा है ना यहाँ पे वो सारा का सारा मुझे साफ करना है सबसे ज्यादा गंदी तो मुझे इस घर में ये किचन लग रही है छोटी सी इसके गैस स्टोव पे देखो जैसे पता नहीं कितनी चाय उबाल उबाल फैकी हुए भाई मतलब हल्ला कि गंदा हो चुका कुछ ज़्यादा ही लेवल का बाथरूम तो शायद साफ होने के लायक भी नहीं कर पाऊंगा तो एकदम पूरा पानी का वो मारना पड़ेगा इस पे तब होगा। तो यहां पर भी हम इसे भी हटाते हैं जितने भी यार मैं क्यों कर रहा हूं इसे साफ नहीं चमकने वाला देखो यहां पर अगर कर रहा हूं ये मैक्स साफ हो रखा है अभी इससे ज्यादा नहीं हो सकता इसे रिप्लेस ही करना पड़ेगा यहां पे दूसरा पेंट करेंगे पेंट नहीं यहां पर दूसरी टाइल लगेगी बाथरूम में पेंट नहीं चलता पानी जाएगा तो पेंट खराब हो जाएगा ना तो यहां पर हम लोग इसे लगाते हैं वेलकम वाला कारपेट भी साफ हो गया जमीन अपने कमरे की मेरे को यार देखो ये पता है मैक्स साफ हो है क्या मैं यहां पर एक दूसरी जमीन लगा स... मतलब जमीन दूसरा फ्लोर लगा सकता हूँ वुड का ही लगाएंगे मेरे को एक बार ही ना स्टोर पे जाना पड़ेगा क्योंकि ये अपना घर है यहां पर हम लोग थोड़ा महंगा काम करने वाले हैं तो मुझे फ्लोर कवरिंग फ्लोर पैनल एंड फ्लोर टाइल फ्लोर पे वुडन पैनल रहेगा तो मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया रहेगा लाइट वुड है डार्क वुड है, है और एक जैबरा वुड है और ब्लैक पैनल्स हैं यहाँ पर काफी सही सही चीजें हैं फ्लोर पैनल डार्क यार लाइट वुड बनाते हैं ना इसको ये थोड़ा बढ़िया रहेगा तो मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये यह लगाना है लग गया। ओ लग गया, लग गया गया ये देखो कुछ इस तरीके से अगर मैं ओ नाइस हम लोग एक पूरा एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं यानी कि अगर मुझे इसे इस लगाना है, ओ ये तो काफी ज्यादा सिंपल है तो अभी कितनी सही लुक हो चुकी है इसको वहां लगाया एंड ये मैंने सिलेक्ट करा यहाँ तक और फाइनली

खरीद तो लिया है पर ये यहाँ पर ऐसे लगेगा नहीं वेट मैं समझ गया क्यों नहीं लगेगा यार ये जो बेड है ना ये थोड़ी ज़्यादा जगह ले रहा है इस बेड को ना मेरे को यार इधर करने का मन तो नहीं है बट हाँ करना पड़ेगा ताकि हम लोग रेडिएटर को लगा पाएं तो अभी हम लोग दोबारा से रेडिएटर परचेस करते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा मैं इधर करके लगा सकता हूँ नहीं उधर नहीं जाएगा क्योंकि गेट भिड़ेगा ना ये इसका मैक्स है तो यहाँ पर हम लोग इसे लगा देते हैं अब मुझे करना है इसे असेंबल तो सबसे पहले यहाँ पर ये लगेगा फिर दोनों बोल्ट टाइट होकर ये वाली जो पाइप है उसका आना जाना फिक्स हो जाएगा अब ये मुझे यहाँ पर दोनों को कनेक्ट करना है एंड ये वाला बोल्ट टाइट सेकंड बोल्ट टाइट ऊपर से ये भी टाइट हो चुका है जो भी है स्क्रू है पता नहीं क्या है ठीक है तो अभी मेरे को इसे थोड़ा सा यार देखो ये बेड मैं प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ बेड इधर ही रहेगा एकदम बीच में आ गया यार अजीब सा लग रहा है हाँ तो ठीक है यहाँ पर हम लोग और क्या क्या लगा सकते हैं अभी तो फिलहाल इतना काम मैंने कर दिया है बाथरूम में ओ हाँ यहाँ पर भी लगेगा यू कैन बाय टावर रेडिएटर एंड माउंट माउंटेयर टावर रेडिएटर मेरे को यहाँ पे लगाना है टी ओ डब्ल्यू ई एल एंड टावर रेडिएटर प्लम्बिंग सिस्टम प्लम्बिंग सिस्टम तो हो रखा होगा ना पहले से हाँ प्लम्बिंग सिस्टम होगा क्योंकि हम लोग घर पहली बार थोड़ी बना रहे हैं घर तो पहले से ही बना हुआ है मुझे इसे भी असेंबल करना है यहाँ पर कुछ अलग टाइप की स्क्रू एंड बोल्ट हैं तो एक टाइट हो गया ये सेकेंड ये भी टाइट बॉटम साइड पे दोनों बोल्ट टाइट मैंने कर दिए हैं एंड राइट साइड पे भी मुझे दो के दोनों बोल्ट टाइट करने हैं ओके गाइस तो मैंने यहाँ पर टॉवल रेडिएटर लगा दिया है अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस घर में और क्या क्या साफ करना चाहिए फ्लोर एकदम मस्त हो चुका है वॉल मुझे करनी पड़ेगी पेंट तभी जाके इस घर की थोड़ी बहुत अच्छी लुक आने वाली है बट मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ फ्लोर टाइल ना मैं बाथरूम के लिए भी यहाँ से परचेज़ कर लेता हूँ वैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कलर बाथरूम में बेटर रहेगा वैसे मेरे हिसाब से ना ग्रे कलर काफ़ी ज़्यादा सही होगा डार्क ग्रे पे हम लोग चलते हैं इसे मैंने यहाँ से ले लिया है एंड मुझे इसे लगाना है बाथरूम अभी तो लोहे की है यार ये मैंने क्या कर दिया ये बाथरूम लोहे का हो चुका है पर ठीक है ना यार पानी से तो कोई दिक्कत होगी नहीं वैसे पर बहुत अजीब सी लुक हो गया चलो कोई नहीं हम बाद में से चेंज कर देंगे अभी एक बार मेरे को चेक करना है कि मेरे को कोई मेल आया है या ओ, वेट मेरे को मेल आया हुआ है भाई यानी मेरे को किसी और ने भी अपने घर पर काम करने बुलाया इसका नाम है कैरोली स्मिथ क्या हो गया भाई क्लीनिंग द गैराज ओके <laughs> टॉपिक क्लीनिंग द गैराज हेलो वी नीड टू क्लीन द गैराज आ रहा हूं आ रहा हूँ ठीक है मेरे को दिमाग में चार्ट पूरी मेल नहीं पढ़ने बैठ रहा भाई गैराज क्लियर करना है okay, ओके तो अभी हम लोग आ चुके हैं उस बंदे के घर पे जिसका हमें गैराज क्लियर करना है फटाफट से अभी मैं चलता हूँ इसके घर के अंदर हेलो कैलोरीन क्या नाम था उसका काफी ज्यादा बढ़िया घर बना रखा है इसका किचन देखो भाई एकदम ही मस्त लग रहा है वहां पर एक एक चीज इसकी परफेक्ट हो रखी है घर में कोई है हेलो कोई भी नहीं है भाई मतलब इसका घर काफी ज्यादा अच्छा है हम जो वो अपने लिए एक घर बना रहे हैं ना छोटा वाला वो भी कुछ ऐसा सही बनाएंगे पर यार अपने पास इतना ज्यादा एरिया नहीं है और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं भाई वो हमें पुलिस के पास भिजवा देगा मारपीट के साहब क्या बेडरूम है

कुछ इसी टाइप का घर हम भी बनाएंगे जो अपने पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे अभी ज़्यादा पैसे नहीं है फालतू तो के जो टायर वगैरह है वो सारे मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये बॉक्स भी हटा दिया ये भी टायर हटा दिए लेट्स गो सब कुछ एकदम परफेक्ट हो चुका है एंड यहाँ पर ऊपर भी कुछ बॉक्सेस थे ये भी मैंने हटा दिए हैं और, और, और यहाँ पर भी कुछ है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया पुरानी सी पुरानी नहीं साइकिल तो न्यू है पर वैसे गिरी पड़ी है गंद में इसलिए पुरानी सी लग रही है ओके तो भी ट्रैश हमने 97 परसेंट हो गया कुछ ट्रैश रह रहे गया टायर वायर के पीछे कुछ है गंदगी तो है पर ट्रैश अब ये पड़ा डब्बा सामने टेबल पे पड़ा हुआ है, इसलिए ध्यान ही नहीं गया उस पर तो सब कुछ एकदम ओके है अब बारी है डर्ट क्लीन करने की डब्बे तो के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी आई हटा दो यहाँ से भी हटा दो थोड़ी सी भाई बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है यहाँ पे गाड़ी आती है ना बाहर से कीचड़ लेके उस चक्कर में ओके गाइस तो सब कुछ एकदम क्लीन हो चुका है बस गाड़ी के टायर के निशान यहाँ पे मुझे आ, क्लीन करने हैं तो ये कहीं कहीं पे डार्क है वहां पे हमें ये जो अपना मोप है दो बार चलाना पड़ रहा है कहीं कहीं पे लाइट ऐसे क्लिक करते ही हो जा रहा है ये देखो यहाँ पे कितना डार्क है तो दो तो तीन बार ओके ये भी गया ये भी गया ये भी गया फाइनली हो चुका है नाइनटी फोर

या फिर नहीं 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 ये कुछ अलग चीज है ओके तो ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है अब हम लोग इस विंडो को ओपन कर देते हैं तो अपना काम खत्म हो गया है बट हाँ हमेशा की तरह हम लोग जाते जाते ना काम थोड़ा एक्स्ट्रा करके जाएंगे मतलब इतने में भी हमें पेमेंट पूरी हो जाएगी पर पता है ना भाई तुम्हारा भाई एकदम तमीज में काम करेगा यहाँ पर जितना भी सामान गंदे तरीके से पड़ा हुआ था उसको सबको हम लोग सही से मैनेज करके रख देते हैं यहाँ पर इस वाले डब्बे को हम लोग यहाँ रख देते हैं साइकिल गिरी हुई थी इसको उठा कर हम लोग खड़े कर देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ताकि थोड़ी अच्छी दिखे उन्हें भी पता चले ना भाई ये बढ़िया कंपनी है अगली बार भी सफाई करने बुलाएं तो मुझे ही बुलाएं अब बारी है गाड़ी को भी हम लोग मेरे को लग रहा था अंदर बैठ के ले जाएंगे पर हम लोग इसे डायरेक्टली उठा के अंदर खड़ी कर सकते हैं वन टू थ्री यार ये ज्यादा पीछे नहीं जा पाएगी क्योंकि मैंने पीछे साइकिल खड़ी कर दी ना तो वन एंड ये रही सेकंड साइकिल टू ओके तो अभी दोनों साइकिल मस्त साइड में एकदम खड़ी हो चुकी है अब अपनी कार भी हम लोग यहाँ पर साइड में लगा सकते हैं काफी ज्यादा स्पेस बच गए एक बाइक भी पर आ सकती है ओके गाइस जॉब कंप्लीट हम लोग वापस अपने घर पे आ चुके हैं अपने घर की तो विंडो साफ लग रही है तो जरूरत नहीं है हमें इसे साफ करने की घर ना अपना बाहर से काफी ज्यादा गंदा है तो मुझे वहां से चल के भी उसे थोड़ा बहुत साफ करना चाहिए ऊपर से हाँ मुझे पता था मैंने जब आया था ना मैंने तभी देख लिया था और ये देखो कितना सारा यहाँ पे बारिश होती है ओ तेरी भाई ये क्या हो रखा यहाँ पे तो मधुमक्खी का छत्ता लग जाएगा दो दिन में ओके तो ये भी एकदम क्लीन हो चुका है अब हमें यहाँ पर ये जो विंडोज है ना ये मुझे सारी की सारी साफ करनी है आ, ये लग रहा है परमानेंटी ऐसे हो गया ये नहीं हटने वाला यहाँ पे पेंट होगा नीचे की तरफ से काफी ज्यादा गंदा है घर ये भी मैंने साफ कर दिया पाइप एकदम मेरे को ओके दिख रही है पर फिर भी एक बार यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देते हैं ना ओहो हो ये वाली विंडो कितनी गंदी थी भाई बट अभी मैंने साफ कर दिया है इस तरफ की विंडो भी देखो भाई सारी एकदम गंदी हो चुकी है छत भी पे मिट्टी लगी हुई है ओके गाइस बाहर की साइड से जितना मैक्स पॉसिबल था ना मैंने घर को ऊपर से लेकर नीचे तक उतना साफ कर दिया है अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए जैसे कि ये पोस्टर्स है ना मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना हम लोग साइड में ले जाके लगा देते हैं यार ये लैंप ना काफी ज्यादा दिक्कत दे रहा है क्योंकि बेड थोड़ा सेंटर में आ गया है और ये अटक रहा है तो मैं इस टेबल को ना मेरे को इसे मूव करना पड़ेगा कहीं तो पहले इसको ना हम लोग यहाँ पर रखते हैं रुक जाओ इसको यहाँ रखता हूँ क्योंकि बेड का ना दीवार से अटैच होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेस नहीं बच रहा यार बिल्कुल भी चलने का अभी इस टेबल को मैं साइड में रख देता हूँ यार मैं इन्हें क्या तोड़ के बेच नहीं सकता क्या किसी काम के ही नहीं है अभी अपने हाँ तो ठीक है मैंने साइड में लगा दिया और अभी एक अच्छा खासा स्पेस हो चुका है इस कार्पेट को हम लोग उठा के यहाँ पर रख देते हैं ताकि अगर हम बेड से उतरें तो जमीन पर पैर ना जाए पहले पैर हमारा कारपेट पर जाए वेट अब डन है हा तो कारपेट भी एकदम मस्त सेट हो चुका है घर काफी ज्यादा अच्छा दिखने लग गया अभी अपनी ये चेयर भी थोड़ी सी गंदी हो रखी है इसको मैंने साफ कर दिया है अब एक काम करता हूँ इस चेयर को ना उठा के मैं अंदर लगा देता हूँ हम लोग काम नहीं कर रहे इस पे गैस स्टोव के बगल में भी काफी ज्यादा गंदगी थी गाइज एक काम करता हूँ मैं ना इस लैंप को उठा के बेड के एकदम ऊपर लगा देता हूँ ताकि ये बार बारी रस्ते में और मेरे सिर पे नाट के ओके गाइस तो सब कुछ एकदम डन है अब बस मुझे ना इस घर में करनी होगी पेंटिंग

में कोई ना कोई प्रोसेस करना होता है मुझे जितना पता था प्लास्टर की जरूरत पड़ती है इसलिए मैंने यहां पर प्लास्टर भी परचेस कर लिया बट अभी आप लोग देखो ये क्या हो रहा है जब मैं यहाँ पे ये प्लास्टर को यूज करने जा रहा हूं ना वेट ये मैंने प्लास्टर लिया और मान लो मुझे इसे वॉल पे लगाना है तो ये वॉल पे लग नहीं रहा है पता नहीं क्यों शायद से हमें ना अलग अलग जॉब्स पे जाके पहले अपने लिए टूल अनलॉक करने हैं जैसे ये देखो पहले हम लोग सफाई करने गए तो अपना ये क्लीनिंग वाला टूल अनलॉक हो गया तो शायद ऐसे हमें किसी पेंट के मिशन पे जाना है फिर हमें पेंटिंग का टूल अनलॉक होगा क्योंकि हम लोग इस जॉब में नहीं है धीरे धीरे सीखेंगे उसके बाद ही अपने ऑफिस पे काम करेंगे तो ये जो सामान है बाद में काम आ जाएगा मैंने यहाँ तक कि ये जो वुडन पैनल है ना ये भी खरीदते थे कि एटलीस्ट घर के बाहर तो काम हो जाए बट वो भी नहीं हो रहा तो सब कुछ एकदम ओके है पर मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि इसको मैंने थोड़ा आगे लगाया था ना इसको थोड़ा सा पीछे करके ना एक ए सी ला के यहाँ पर टांग देते हैं क्योंकि अभी हमें यहीं पर रहना है तो काफ़ी ज्यादा तो बढ़िया रहेगा आराम से चैन की नींद सोएंगे तो मुझे एक एयर कंडीशनर परचेस करना होगा वैसे एयर कंडीशनर का जहां तक मुझे पता है पहले हमें वॉल पे भी कुछ लगाना पड़ता है ना हाँ एयर कंडीशनर ये आ गया माउंटेबल एयर कंडीशनर तो ये मैंने खरीद लिया यहाँ से एंड अभी मुझे जो चीज़ मिली है वो है ये तो इसको मुझे रोटेट करना है पहले एंड ये ऊपर इसलिए नहीं लग पा रहा क्योंकि जो लैंप ये जगह घेर रहा है इस लैंप को अपने यहां लगा देते हैं ये अबे कितना सही लग रहा है वहां पे वाह ये अच्छा लग रहा है ये तो ठीक है बट अभी यहाँ पे एयर कंडीशनर लगाने का फायदा नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे पेंट भी तो कर रहे हैं ना कहीं ऐसा ना हो कि फिर एयर कंडीशनर के पीछे पेंट ही ना हो या फिर उसके चक्कर में हमें एयर कंडीशनर उतारना पड़े तो हाँ अपना प्लॉट मतलब अपना जो ये छोटा सा ऑफिस है रहने लायक तो हो चुका है बस यहाँ पे थोड़ा फैन वगैरह नहीं है तो थोड़ी सी गर्मी लगेगी बट ना फिर भी काफी ज्यादा अच्छा लगने लग गया है अंदर से